हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर, रिटन बाय D.H. लॉरेंस। स्टूडेंट्स, यह स्टोरी हमें बताती है कि किस प्रकार आज का इंसान भौतिकतावाद में लिप्त है। किसी के पास कितना भी कुछ भी आ जाए, लेकिन उसकी जो लालसा है, इच्छा है और ज़्यादा पाने की, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। और इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसकी वजह से मनुष्य जो है वो जो उसके पास प्रेजेंट में है वह उसको एंजॉय नहीं कर पाता और हमेशा और इस करता रहता है और हमेशा परेशान रहता है। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी द रॉकिंग हॉर्स विनर। देयर वॉज अ वूमेन हु वॉज ब्यूटिफुल, हु स्टार्टेड विद ऑल द एडवांटेजेस, येट शी हैड नो लक, सी मैरिड फॉर लव एंड लव टर्न टू डस्ट। तो कहानी शुरू होती है हमारी एक ऐसी महिला से जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसने अपने जीवन की शुरुआत कैसी बहुत ही एडवांटेजेस के साथ की, लेकिन क्या कि उसके पास लक नहीं था, यानी कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसने प्रेम के लिए शादी की, लेकिन कुछ ही समय में क्या हुआ, लव टर्न्ड टू डस्ट, जो प्रेम था वो धूल में मिल गया, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। शी हैड बोनी चिल्ड्रन, येट शी फेल्ट दे हैड बीन थ्रस्ट अपॉन हर एंड शी कुड नॉट लव देम। उसके सुंदर से प्यारे से बच्चे थे, लेकिन फिर भी वह क्या थी, वह वो ये सोचती थी कि जैसे वो जो बच्चे हैं ना, उसके ऊपर जबरदस्ती थ्रस्ट कर दिए गए, यानी कि थोप दिए गए हैं, और वह उन्हें प्रेम नहीं कर पाती थी। दे लुकड एट हर कोल्डली एज इफ दे वर फाइंडिंग फॉल्ट विद हर एंड हरिडली शी फेल्ट शी मस्ट कवर अप सम फॉल्ट्स इन हर सेल्फ, येट वॉट इट वॉज दैट शी मस्ट कवर अप शी नेवर न्यू। और जो उसके बच्चे थे वो भी क्या उसकी तरफ ऐसे देखा करते थे, बहुत ही कोल्डली देखा करते थे, कि जैसे ना वो उसमें किसी गलती को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। और कुछ ही समय में बहुत ही जल्दी उस महिला को अपनी जो कमी थी उसका एहसास हो गया, और उसने इसको सोच लिया कि मुझे अपनी उस कमी को दूर करना है। लेकिन वास्तविकता थी कि वह खुद नहीं जानती थी कि वह किस कमी को दूर करना चाहती है या वो क्या कमी है। नेवर्थलेस When her children were present, she always felt the center of her heart go hard. This troubled her, and in her manner, she was all the more gentle and anxious for her children, as if she loved them very much. अब क्या हुआ कि जब भी ना उसके जो बच्चे थे उसके सामने होते थे, प्रेजेंट होते थे उसके सामने, वह कहीं ना कहीं ये महसूस करती थी कि उसके हृदय के किसी कोने में ना थोड़ा कठोरपन आ जाता है, मीन्स उसका जो हृदय है वह सख्त हो जाता है, वह अपने उन बच्चों के लिए प्रेम महसूस नहीं कर पाती है, और यह चीज़ उसे बहुत परेशान करती थी। इसलिए जब भी उसके बच्चे सामने आते थे तो वह ऊपरी दिखावा करने की कोशिश करती थी, उनके प्रति चिंता, उनके प्रति प्रेम को जाहिर करती थी। ओनली शी हर सेल्फ न्यू दैट एट द सेंटर ऑफ हर हार्ट वॉज अ हार्ड लिटिल प्लेस दैट शी कुड नॉट फील लव, नो नॉट फॉर एनी बडी। लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि उसके हृदय के सेंटर में कैसा है वो जो प्लेस है, वो बहुत ही हार्ड है, कठोर हो गया है, वह किसी के लिए भी प्रेम महसूस नहीं कर सकती है। एवरीबडी एल्स सैड ऑफ हर शी इज सच अ गुड मदर, सी एडोर हर चिल्ड्रन, ओनली सी हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन देम सेल्फ न्यू इट वॉज नॉट सो, दे रीड इन इट इन ईच अदर्स आइज। और क्या होता था कि चूंकि वह सबके सामने तो बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, तो सब लोगों को जो आस पड़ोस के लोग थे उनको ये लगता था कि वह एक बहुत अच्छी माँ है, लेकिन सिर्फ वह और उसके बच्चे इस बात को जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात वो एक दूसरे की आंखों में पढ़ सकते थे। देयर वर अ बॉय एंड टू लिटिल गर्ल्स, दे लिव्ड इन अ प्लीजेंट हाउस विद अ गार्डन एंड दे हैड डिस्क्रीट सर्वेंट एंड फेड देमसेल्फ सुपीरियर टू एनीवन इन द नेबरहुड। अब उनकी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि उसका एक बेटा था, दो बेटियां थी, वो एक बहुत अच्छे से घर में रहते थे, उस घर में गार्डन था और उनके पास नौकर भी थे, और वो अपने आप को जो भी उनके नेबरहुड में लोग रहते थे, उनके जो पड़ोसी थे, उन सबसे अपने आप को सुपीरियर महसूस करते थे। ऑल दो दे लिव्ड इन स्टाइल दे फेल्ट ऑलवेज एन एंग्जाइटी इन द हाउस, देयर वॉज नेवर एनफ मनी। यद्यपि वो हमेशा बहुत ही स्टाइल में रहते थे, मीन्स अच्छी तरीके से रहते थे, लेकिन वो उनके घर में ना हमेशा एक चिंता, एक एंग्जाइटी महसूस की जाती थी, क्या कि उनके घर में पर्याप्त पैसा नहीं है। द मदर हैड अ स्मॉल इनकम एंड द फादर हैड अ स्मॉल इनकम बट नॉट नियरली एनफ फॉर द सोशल पोजिशन विच दे हैड टू कीप अप। उनके जो माता पिता थे उन बच्चों के,
वो दोनों क्या कि थोड़ी थोड़ी इनकम थी दोनों की, जो कि समाज में अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। द फादर वेंट इन टू टाउन टू सम ऑफिस, बट दो ही हैड गुड प्रॉस्पेक्ट, दिस प्रॉस्पेक्ट्स नेवर मटेरियलाइज। देर वॉज ऑलवेज द ग्राइंडिंग सेंस ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मनी, दो द स्टाइल वॉज ऑलवेज केप्ट अप। अब क्या बताया जा रहा है कि उनके जो पिताजी थे वो कस्बे के एक ऑफिस में जाते थे, और वहाँ पे जाके ना उनकी जो प्रॉस्पेक्ट्स थे, उनकी जो कुछ योजनाएं थी भविष्य के लिए, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन वो क्या, जो भी वो सोचते थे वो कुछ भी मेटरलाइज नहीं होता था, मीन्स सक्सेस नहीं हो पाता था वो। और उनके घर में जो हमेशा एक ये जो रेगुलर चलने वाला जो सेंस था, एक फीलिंग थी पैसे की कमी की, वो हमेशा बनी रहती थी। लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपनी स्टाइल को हमेशा मेंटेन करके रखते थे। एट लास्ट द मदर सेड, आई विल सी इफ आई कांट मेक समथिंग, बट शी डिड नॉट नो वेयर टू बिगिन। सी रैक्ड हर ब्रेन एंड ट्राइड दिस थिंग एंड द अदर, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सक्सेसफुल। अब क्या हुआ अंत में, उनकी माँ ने सोचा कि भाई मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती हूँ, इसलिए उसने क्या कहा, सोचा उसने, अपना दिमाग चलाया और बहुत सारी चीज़ों को उसने ट्राई किया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, मतलब कुछ काम किए, लेकिन उसमें किसी भी चीज़ में उनको सफलता नहीं मिली। द फेलर मेड डीप लाइन्स कम इन टू हर फेस, हर चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, दे वुड हैव टू गो टू स्कूल, द मस्ट देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। द फादर हु वॉज ऑलवेज वेरी हैंडसम एंड एक्सपेंसिव इन हिज टेस्ट, सीम्ड एज इफ ही नेवर वुड बी एबल टू डू एनी थिंग वर्थ डूइंग। क्या हुआ कि जब उसकी माँ को किसी भी चीज़ में जो सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो ये इसकी जो असफलता थी, उसमें क्या हुआ, उनकी उस चिंता में उनके चेहरे पर लाइनें आ गई, यानी कि रिंकल्स आ गए, झुर्रियाँ पड़ गई उनके पे। उनके बच्चे अब बड़े हो रहे थे और उन्हें अब स्कूल में भेजना था, उन्हें और ज़्यादा पैसा चाहिए था, और पैसा होना चाहिए, ऐसा वो हमेशा सोचते थे। उनके जो पिताजी थे वो क्या करते थे, वो बहुत ही हैंडसम थे, और उनके जो एक्सपेंसिव टेस्ट थे, यानी कि उनके शौक जो थे बहुत महंगे महंगे थे, वो भी हमेशा, अब ऐसा लगने लगा था कि वो भी अब कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, या भी कुछ नहीं कर सकते। एंड द मदर हु हैड अ ग्रेट बिलीफ इन हर सेल्फ डिड नॉट सक्सीड एनी बेटर, एंड हर टेस्ट वर जस्ट एंड एक्सपेंसिव। और जो माँ थी, जो कि अपने आप में बहुत विश्वास करती थी, वो भी कुछ करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनके भी अभी जो शौक थे ना, वो बहुत ज़्यादा खर्चीले थे, महंगे थे। एंड सो द हाउस केम टू बी हॉन्टेड बाय द अनस्पोकन फ्रेज, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। द चिल्ड्रन कुड हियर इट ऑल द टाइम, दो नो बडी सैड इट अलाउड। अब क्या हुआ कि जैसे ना इनके घर में अब ये जो हमेशा ये लोग बात क्या करते थे कि भाई और पैसा होना चाहिए, और पैसा, और पैसा, ये वर्ड्स अब ऐसा लगने लगा जैसे उनके घर में गूंजते रहते थे। अनस्पोकन मीन्स कोई बोलता नहीं था, फिर भी उन बच्चों को, जो तीन बच्चे थे, जो एक बेटा दो बेटियां, उनको वो हमेशा उस घर में वो कि और पैसा और पैसा, ये जो आवाज़ थी वो हमेशा गूंजती हुई सुनाई देती थी, यद्यपि इसको कोई भी जोर से बोलता नहीं था। दे हर्ड इट एट क्रिसमस वेन एक्सपेंसिव एंड स्प्लेंडेड टॉयज फिल्ड द नर्सरी, बिहाइंड द शाइनिंग मॉडर्न रॉकिंग हॉर्स, बिहाइंड द स्मार्ट डॉल्स हाउस, अ वॉइस वुड स्टार्ट विस्परिंग, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी, एंड द चिल्ड्रन वुड स्टॉप प्लेइंग टू लिसन फॉर अ मोमेंट। वो बच्चे, अब बताया जा रहा है कब कब उनको ऐसे लग रहा है कि वो आवाज़ गूंज रही है, जैसा कि उन्होंने कहा ना कि ऑल द टाइम वो आवाज़ उन्हें गूंजती क्रिसमस पर, जबकि जो नर्सरी, यानी कि जहाँ पर वो बच्चों का जो रहने का जो एरिया था, उसको वो बहुत ही बड़े, मतलब एक्सपेंसिव, यानी कि महंगे महंगे अच्छे शानदार खिलौनों से भरा हुआ था। तो वहाँ पे जो उनका एक मॉडर्न एक खिलौना था, रॉकिंग हॉर्स तो था, जिस पे बच्चे बैठ के लकड़ी का घोड़ा होता है उस पे झूलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, उसके वहाँ से, और स्मार्ट डॉल्स हाउस जो उसका गुड़िया का घर था, उसके पीछे से सब तरफ से उनको एक आवाज़ जैसे विस्पर करती हुई, बहुत धीरे धीरे से कोई बोल रहा हो ऐसी आवाज़ उसको उनको सुनाई देती थी, देयर मस्ट बी मोर मनी, यानी कि और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। और उस आवाज़ को ऐसा लगता था बच्चे खेलना बंद कर देते थे उस आवाज़ को सुनने के लिए। दे वुड लुक इन टू ईच अदर्स आइज टू सी इफ दे हैड ऑल हियर्ड। और फिर क्या होता था, वो बच्चे जो है ना एक दूसरे की तरफ देखते थे, जैसे अपना डाउट दूर कर रहे हो कि क्या
मैंने ही इस आवाज़ को सुना या तो और जो उसके भाई बहन है उन लोगों ने भी सुना है। दियर मस्ट बी मोर मनी, दियर मस्ट बी मोर मनी, की और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। इट केम विस्परिंग फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ द स्टिल स्विंग रॉकिंग हॉर्स एंड इवन द हॉर्स बाइंडिंग हिज वुडन चैम्पिंग हेड हियर डिड द बिग डॉल सिटिंग सो पिंक एंड स्मर्किंग इन हर न्यू पा प्राम कुड हियर इट क्वाइटली प्लेनली एंड सीम टू स्मर्किंग ऑल द मोर सेल्फ कॉन्सियसली बिकॉज ऑफ इट द फूलिश पपी टू दैट टुक द प्लेस ऑफ द टेडी बियर ही वॉज लुकिंग सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी फूलिश फॉर नो अदर रीजन बट दैट्स ही हियर द सीक्रेट विस्पर ऑफ ऑल द हाउस देयर मस्ट बी मोर मनी। क्या है कि अभी वो कह रहे हैं कि ये जो आवाज़ है ना, फिर से वो बता रहे हैं कि सब जगह कि वो जो घोड़ा है, रॉकिंग हॉर्स है, वो अपना जो सर झुका के वहाँ पे खड़ा हुआ है उसके पास से भी वही है, वो भी वो उस आवाज़ को सुन सकता है। वो बड़ी सी गुड़िया जो पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए बैठी हुई है वो भी इसको सुन सकती है एंड सीम टू बी स्मर्किंग ऑल द मोर सेल्फ कॉन्सियसली बिकॉज ऑफ इट। और सब जगह से उन लोगों को वही फुलिस पप्पी हो या कुछ भी जो भी चीज़ें खिलौने हैं जो भी, उसको हर तरफ से वही जो विस्परिंग की जो आवाज़ है कि यहाँ पर और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए, वो उनको सुनाई दे रही है। येट नो बडी एवर सेड इट अलाउड द विस्पर वॉज एवरीवेयर एंड देयर फोर नो वन स्पोक इट जस्ट एज नो वन एवर सेज वी आर ब्रीदिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ब्रीथ इज कमिंग एंड गोइंग ऑल द टाइम। उनके घर में वो आवाज़ बिल्कुल जैसे कि और पैसा, और पैसा गूंजती रहती है, जबकि कोई भी इस बात को नहीं कहता कि वो इस बात को कह रहे हैं कि पैसा होना चाहिए। जिस प्रकार एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर कि हम लोग जो है ना सांस लेते हैं, हम लोग कभी भी नहीं कहते कि हम अब सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम सांस ले रहे होते हैं। उसी प्रकार से उनके घर में वो आवाज़ जो हमेशा गूंजती रहती है। मदर सेड द बॉय पॉल वन डे व्हाई डोंट वी कीप अ कार ऑफ अवर ओन, व्हाई डू वी ऑलवेज यूज अंकल्स और एल्स अ टैक्सी। एक बार जो वो उनका बेटा है पॉल, जिसका नाम है, उसने अपनी माँ से कहा, माँ कि हम दूसरों की तरह अपनी खुद की कार क्यों नहीं रखते हैं, व्हाई डू वी ऑलवेज यूज अंकल्स, कि हम अंकल की हमेशा क्यों यूज़ करते हैं, और या फिर जब अंकल की कार नहीं मिलती होगी तो टैक्सी यूज़ करते हैं, तो हम हमेशा अंकल की कार या टैक्सी को क्यों यूज़ करते हैं, हम अपनी कार क्यों नहीं रखते। बिकॉज वी आर द पुअर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली सेड द मदर। अब उसकी माँ ने कहा क्योंकि हम जो है ना परिवार के गरीब सदस्य हैं। बट वाई वी आर मदर, लेकिन पॉल बोलता है कि लेकिन हम क्यों हैं माँ। वेल आई सपोज दस, आई सपोज सी सेड स्लोली एंड बिटरली, इट्स बिकॉज योर फादर हैज़ नो लक। अब वो कहती हैं थोड़ा सा मतलब बिटरली और धीरे से बोलती हैं कि सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पिता के पास कोई लक नहीं है, मीन्स वो किस्मत वाले नहीं हैं। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम। अब वो बच्चा जो था वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। इस लक मनी मदर ही आस्क्ड रेदर टिमिडली। और उसने पूछा कि माँ क्या जो किस्मत है वो पैसा है। तो उसकी माँ आंसर कर रही है, नो वॉल नॉट क्वाइट इट, इट्स वॉट कॉजेज यू टू हैव मनी। नहीं, लक पैसा नहीं है, लेकिन ये वो है जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आता है। ओह सैड पॉल वेगली, आई थॉट व्हेन अंकल ऑस्कर सैड फिल द ल्यूकर इट मीन्स मनी। अब वो कहती है, पॉल बोलता है, अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि जब अंकल ऑस्कर जो है वो बोलते हैं फिल द ल्यूकर, तो इसका मतलब पैसा है। फिल द ल्यूकर डजेंट मीन मनी सैड द मदर, बट इट्स ल्यूकर नॉट लक। फिल द ल्यूकर बोलते हैं जो कुछ गलत तरीके से जो कमाया गया और पैसा होता है वो। तो उसकी जो माँ कहती है, नहीं फिल द ल्यूकर डज मीन मनी सेड द मदर बट इट्स ल्यूकर नॉट लक, कि वो जो है ना वो उसका पैसा मतलब जो है पैसा होता है, लेकिन वो ल्यूकर है, लक नहीं है। ओ सेड द बॉय देन वॉट इज लक मदर, अच्छा तो फिर क्या किस्मत क्या है, उसने पूछा अपनी माँ से। इट्स वॉट कॉज यू टू हैव मनी, इट If you are lucky, you have money. That's why it's better to be born lucky than rich. If you are rich, you may lose your money, but if you are lucky, you will always get more money. अब उसकी माँ कह रही है कि लक वो है, यानी कि किस्मत वो है जिसकी वजह से आपके पास धन आता है, पैसा आता है।
इफ़ यू आर लकी यू हैव मनी, अगर आप किस्मत वाले हैं आपके पास पैसा होगा। इसीलिए कैसा किस्मत वाला बनकर पैदा होना ज़्यादा अच्छा है बजाय धनी होने के, क्योंकि अगर आप धनी हैं तब भी क्या हो सकता है, हो सकता है आप अपना पैसा जो है खो दें, लेकिन आप लकी हैं तो हमेशा आपके पास में जो पैसा है वो आता रहेगा। ओह विल यू एंड इज फादर नॉट लकी, तो वो उसका बेटा पूछ रहा है कि अच्छा तो क्या जो पिताजी हैं वो लकी नहीं है, तो उसकी माँ आंसर कर रही है वेरी अनलकी आई शुड से सी है सैड बिटरली, वो कहती है हाँ मैं यही कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। द बॉय वॉच्ड हर विद अनश्योर आइज, वाई ही आस्क्ड, अब जो बच्चा था वो उनको जैसे अनश्योर आइज से उसे विश्वास नहीं हो रहा, वो उनको देखता है फिर पूछता है क्यों। आई डोंट नो, नो बडी एवर नोज वाई वन पर्सन इज लकी एंड अनदर अनलकी, वो कहती है मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं जानता कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वह किस्मत वाला क्यों होता है, यानी भाग्यशाली क्यों होता है, या कोई और जो है वो दुर्भाग्यशाली क्यों होता है। डू दे, नो बडी एट ऑल डज, नो बडी नो, परहैप्स गॉड बट ही नेवर डज, अभी बच्चा बोल रहा है क्या कोई भी नहीं जानता, क्या वास्तव में कोई नहीं जानता, तो उसकी माँ कह रही परहैप्स गॉड, शायद ईश्वर जानते लेकिन वो कभी नहीं बताते। ही ऑट टू देन एंड आरंट यू लकी आइदर मदर, तो पॉल कह रहा है कि उनको ऐसा करना चाहिए, बताना चाहिए, फिर पूछता है कि क्या माँ आप भी मतलब लकी नहीं हो। आई कांट बी इफ आई मैरिड एन अनलकी हस्बैंड, वो कहती है कि मैं नहीं हो सकती, मैं कैसे हो सकती हूँ जब मैंने एक दुर्भाग्यशाली पति से शादी की है। बट बाई योर सेल्फ आंट यू, अभी पॉल पूछ रहा है लेकिन आप अपने आप क्या, मीन्स आपकी कोई किस्मत नहीं है, आप नहीं हो। आई यूज़ टू थिंक आई वॉज बिफोर आई मैरिड, नाउ आई थिंक आई एम वेरी अनलकी इंडेड, वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं शादी से पहले लकी थी लेकिन अभी तो मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। वाह, अभी उसका बेटा पूछ रहा है क्यों। वेल नेवर माइंड, परहैप्स आई एम नॉट रियली, सी शेड, द चाइल्ड लुक्ड एट हर टू सी इफ दिस शी मीन्ट इट, बट शी सॉ बाई द लाइन्स ऑफ हर माउथ दैट सी वॉज ओनली ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम हिम, तो कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं कि मैं शायद लकी नहीं हूँ, लेकिन क्या और जो बच्चा है ना वो उसको बहुत ध्यान से देख रहा है कि क्या ये जो बोल रही हैं वो सच में सही है या कुछ उससे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। वेल एनी हाउ ही सेड स्टाउटली आई एम अ लकी पर्सन, अब वो जो पॉल है वो बोलता है कि हाँ ठीक है चलो कोई भी बात नहीं, और फिर जोर देख के कहता है कि आई एम अ लकी पर्सन, कि मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। वाई सेड हिज मदर विद अ सडन लाफ, उसकी माँ हंसते हुए अचानक से बोली कि क्यों। He stared at her, he didn't even know why he had said it. God told me, he asserted, brazening it out. अब वो उसने उसको अपनी माँ को ऐसे घूरते हुए देखकर मतलब जैसे लग रहा था वो नहीं जानता कि वो उसने कहता है वो कि वह नहीं जानता कि क्यों, God told me, लेकिन मुझसे ही asserted, यानी कि वह अपनी बात को जोर देते हुए बोलता है कि ईश्वर ने मुझे बताया है। I hope he did, dear. She said again with a laugh, but rather bitter. वो कहती है हाँ मैं आशा करती हूँ ऐसा ही हो, उन्होंने कहा हो। फिर वो हंसती है, कैसी थोड़ा सा बिटर हंसी हंसती है, मतलब ज़बरदस्ती वाली। He did, mother. उन्होंने कहा है, पॉल बोलता है माँ उन्होंने कहा है। Excellent, said the mother, using one of her husband's exclamation. जैसे उसके हस्बैंड अक्सर बोला करते थे एक्सीलेंट किसी काम के लिए, तो वैसे ही वो अपने बेटे को बोलती है हाँ अच्छी बात है एक्सीलेंट। द बॉय सा सी डिड नॉट बिलीव हिम और रेदर दैट सी पेड नो अटेंशन टू हिज एजर्शन, दिस अरेंज्ड हिम समवॉट देन मेड हिम वांट टू कंपेल हर अटेंशन। अब क्या हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने बोला तो उसकी उस जो बच्चा है पॉल उसको लगा कि उसकी जो माँ है उसका विश्वास नहीं कर रही है या फिर जो उसकी बातों पर वो ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए उसको ना थोड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा कि उसको थोड़ा सा उसका अटेंशन पाने के का जो था वो चाहता था कि उसकी माँ उसकी बातों पर अटेंशन दे। ही वेंट ऑफ बाई हिमसेल्फ वेगली इन अ चाइल्डिश वे सीकिंग फॉर द क्लू टू लक एब्जॉर्ब्ड taking no heed of other people, he went about with a sort of stealth, seeking inwardly for luck.
अब क्या हुआ, जैसे बच्चे करते हैं ना कि थोड़ा वो चाइल्डिश एकदम बचकाना बिहेव दिखाते, गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है, किसके लिए, सीकिंग फॉर द क्लू ऑफ लक, यानी कि भाग्य का कोई चिन्ह ढूंढने के लिए। जैसे ही मतलब वो अपने आप को साबित करना चाहता था कि वह भाग्यशाली है, ही वॉन्टेड लक, वह किस्मत चाहता था, ही वॉन्टेड इट, वह चाहता था, ही वॉन्टेड इट, बार बार बोला चाहता है, बोला जा रहा है कि वह क्या था, चाहता था, किस्मत चाहता था कि वह भाग्यशाली हो। वेन द टू गर्ल्स वर प्लेइंग डॉल्स इन द नर्सरी, ही वुड सिट ऑन हिज बिग रॉकिंग हॉर्स चार्जिंग मैडली इन टू स्पेस विद अ फ्रेंजी दैट मेड द लिटिल गर्ल्स पियर एट हिम अनइजीली। अब क्या हुआ, वो वहाँ से चला जाता है और वो नर्सरी यानी कि वो एरिया जहाँ पर बच्चों का के लिए जो था सामान वामान, उनके टॉयज वगैरह थे, वहाँ पे जाता है। और जबकि उसकी जो बहनें होती हैं दोनों, वो अपनी गुड़िया के साथ में खेल रही होती है, ये जाके अपना जो उसका बड़ा सा रॉकिंग हॉर्स था, जो घोड़ा था, उसके ऊपर बैठ जाता है जाके, और उसको मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है जैसे ना वह उसमें स्पेस में, अंतरिक्ष में, मतलब उस घोड़े को दौड़ा कर लिए जा रहा हो। और उसका ये जो पागलपन था, उससे जो जो लड़कियां थी वो उसको देख के क्या थोड़ा सा अनइजी फील करने लगती हैं। वाइडली द हॉर्स कैरीड द वेविंग डार्क हेयर ऑफ द बॉय टॉस्ड हर आईज एंड स्ट्रेंज ग्लेयर इन देम द लिटिल गर्ल्स डेयर नॉट स्पीक टू हिम। अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ना वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ में खो गया, उसको ऐसे लग रहा है कि वो सच में उसको मतलब घोड़े को जो है ना वो दौड़ा रहा है, तो बहुत ही वाइल्डली, बहुत जंगली तरीके से उस हॉर्स को ना दौड़ाते चले जा रहा है। उसके जो बाल हैं वह है, से हवा में उड़ रहे हैं, उसकी जो आँखें हैं ना वो बहुत ही स्ट्रेंज विचित्र सी मतलब लग रही हैं। और जो लड़कियां हैं वो दोनों उसकी बहनें हैं, वो उससे बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, ऐसी जो सिचुएशन है वहाँ पे बन गई है। When he had ridden in to end of his mad little journey, he climbed down and stood in front of his rocking horse, staring fixedly into its lowered face. Its red mouth was slightly open, its big eye was wide and glassy bright. अब क्या हुआ कि जब उसकी वो पागलपन वाली जो छोटी सी वो जो घोड़े की यात्रा थी वो खत्म हुई, तो वह उसे नीचे उतर आया और उसके घोड़े के सामने खड़ा होकर उसने घूरते हुए उस घोड़े को जो कि झुका हुआ था, जिसका मुंह उसको देख रहा था, और उसका जो मुंह था उसका पॉल का वो थोड़ा सा खुला हुआ था, उसकी बड़ी बड़ी जो आंखें थी वो कैसी एकदम ग्लासी ब्राइट में शीशे की तरह सी चमक रही थी। नाउ ही वुड साइलेंटली कमांड द स्नॉर्टिंग स्टीड, नाउ टेक मी टू वेयर देयर इज लक, नाउ टेक मी। और वो उनसे क्या कहता है, जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसको कमांड कर रहा है उस घोड़े को कि मुझे तुम वहाँ ले चलो, अब उस जगह ले चलो जहाँ पर किस्मत है, मुझे वहाँ ले चलो, अभी ले चलो। एंड ही वुड स्लैश द हॉर्स ऑन द नेक विद द लिटिल व्हिप ही हैड आस्क्ड अंकल ऑस्कर फॉर। ही न्यू द हॉर्स कुड टेक हिम टू वेयर देयर वॉज लक इफ ओनली ही फोर्स्ड इट, सो ही वुड माउंट अगेन एंड स्टार्ट ऑन हिज फ्यूरियस राइड होपिंग एट लास्ट गो देयर ही न्यू ही कुड गेट देयर। अब क्या होता है, वो फिर से उसको ऐसे बोल के कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ किस्मत है, उसे फिर उसके घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, उसकी लगाम को पकड़ता है और कहता है कि जो अंकल ऑस्कर ने बोला था मुझे उनके पास ले जाओ, वो जानते हैं कि घोड़ा उन्हें वहाँ ले जा सकता है जहाँ पर किस्मत है, अगर वो इसको फोर्स करें तो ये जो घोड़ा है उसे वहाँ ले जा सकता है जहाँ पर किस्मत है। और फिर से वो फ्यूरियसली वो पागलों की तरह उसको घोड़े को जोर जोर से हिलाने लगता है, और जैसे वो जानता है कि वह कहाँ जाना चाहता है। यू विल ब्रेक योर हॉर्स पॉल, सेड द नर्स, ही इज ऑलवेज राइडिंग लाइक दैट, आई विश्ड ही लीव ऑफ, सेड हिज सिस्टर जॉन। अब जो नर्स यानी कि जो इन लोगों को देखने के लिए इनकी आया कह सकते हो आप थी, उसने कहा कि पॉल तुम अपने घोड़े को तोड़ दो, वो इतनी जोर जोर से उसको हिला रहा था। तो उसकी जो सिस्टर है जॉन, वो बोलती है वो हमेशा इसी की तरह ऐसे ही ये राइड करता है, हमेशा ऐसे ही घोड़ा चलाता है, मैं इच्छा करती हूँ कि ये इसको अब छोड़ दे। बट ही ओनली ग्लेयर डाउन ऑन देम इन साइलेंस, नर्स गेव हिम अप, सी कुड मेक नथिंग ऑफ हिम एनी हाउ, ही वॉज ग्रोइंग बियॉन्ड हर। लेकिन क्या हुआ कि वह सिर्फ शांति से उसको देखता है, घूरता है, और जो नर्स होती है वो गिव अप कर देती है उसके सामने, मीन्स उससे फिर कुछ भी नहीं कहती, सी कुड मेक नथिंग ऑफ हिम, और वो उससे कुछ भी नहीं मतलब वो जो भी बोलती है वो उसकी कोई बात नहीं मानता है। अब जो क्या था कि वो उसकी
ग्रोइंग बियॉन्ड हर, यानी कि वह उसकी जो कहते हैं ना कंट्रोल से बाहर हो गया था, वह इस तरीके से अब बड़ा हो रहा था। वन डे हिज मदर एंड हिज अंकल ऑस्कर केम व्हेन ही वॉज ऑन वन ऑन हिज फ्यूरियस राइड्स, ही डिड नॉट स्पीक टू देम। एक दिन उसके जो अंकल थे वो वहाँ पर उससे मिलने आए, अंकल ऑस्कर जिनका नाम है उसकी माँ के साथ, लेकिन वो अपनी उस समय क्या था उसी फ्यूरियस राइड पे था वो, मतलब जो जो उससे घोड़े को अपने चला रहा था, वो उनसे बात नहीं करता। हेलो यू यंग जॉकी राइडिंग अ विनर, सैड हिज अंकल। वो कहते हैं कि हेलो यंग जॉकी, जॉकी कहते हैं वो घोड़े चलाने वाले को, कि क्या कर रहे हो, मतलब एक विजेता की तरह मतलब राइड कर रहे हो। उसके अंकल बोलते हैं Aren't you growing too big for a rocking horse? You are not a very little boy any longer, you know, said his mother. अब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता, पॉल से कहती है कि अब तुम इस रॉकिंग हॉर्स के लिए, मीन्स ये जो लकड़ी के घोड़े पे बैठ के उसको चला रहे हो, उसके लिए अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम ऐसे लकड़ी के घोड़े को चला रहे हो। बट पॉल ओनली गेव अ ब्लू ग्लेयर फ्रॉम हिज बिग रैदर क्लोज़ सेट आईज, ही वुड स्पीक टू नोबडी व्हेन ही वॉज इन फुल टिल्ट। His mother watched him with an anxious expression on her face. लेकिन जो पॉल था उसने बस अपनी वो जो उनको मतलब बड़ी बड़ी आँखों से और मतलब एक ब्लू ग्लेयर देते हुए उनको देखा और कुछ भी बोला नहीं। जब वो किसी से कोई बात नहीं करता था, जब वो अपने पूरे उसमें फुल मूड में होता था, मीन्स अभी वो पूरा उसको चला रहा है घोड़े को, और इसके उस बिहेवियर की वजह से उसकी माँ जो थी उसने उसको चिंता से मतलब उसकी ओर देखा। At last he suddenly stopped forcing his horse into the mechanical gallop and slide down. फिर क्या हुआ, अचानक से उसने उसके अपने घोड़े को रोका और नीचे उतर गया। Well, I got there, he announced fiercely. His blue eyes still flaring and his sturdy long legs straddling apart. और वो उतर के बोलता है तो मैं वहाँ पर पहुँच गया, मतलब इससे बोलता है fiercely कि मैं पहुंच गया, और उसकी जो आंखें थी ब्लू आई थी जो उसकी, अभी तक उसकी आंखों में फ्लेयरिंग यानी कि जैसे ना कोई आग जल रही हो इस तरीके की उसकी आंखें लग रही थी, और जो उसके पैर थे स्ट्रैगलिंग मीन्स होता है मतलब दूर दूर करके खड़ा होना, जैसे घोड़े पे दोनों तरफ डाल के बैठते तो उतरता है तो अभी भी वो दूर दूर पैरों को करके खड़ा होता है। वेयर डिड यू गेट टू, आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ ने पूछा कहाँ पहुँच गए तुम। Where I wanted to go, he flared back at her. उसने कहा वहीं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। That's right, son, said Uncle Oscar. Don't you stop till you get there. What the horse name? तब उसने पूछा कि उनके जो अंकल ऑस्कर थे उन्होंने पूछा कि हाँ ठीक है ये सही है और तुम तब तक मत रुकना जब तक तुम वहाँ पहुँच मत जाना, तुम घोड़े का क्या नाम है। He doesn't have a name, said the boy. उसका कोई नाम नहीं है, पॉल ने कहा। गेट्स ऑन विदाउट ऑल राइट, आज अंकल कोई बात नहीं ठीक है बिना नाम के ही चलो। वेल ही हैज़ डिफरेंट नेम्स, ही वॉज कॉल्ड सेंसोविनो लास्ट वीक। तो अभी वो कहता है कि पॉल कि उसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग, लास्ट वीक मैं इसको सेंसोविनो बोलता था, सेंसोविनो ई वन द स्कॉट, हाउ डिड यू नो हिज नेम। तो वो कहते हैं कि अरे सेंसोविनो जिसने मतलब पहले एस्कॉट यानी कि घोड़ों की रेस थी वो जीती थी, सेंसोविनो घोड़े का ही नाम है, जो रेस के रेस का कोई घोड़ा होगा तो उसके बारे में अभी वो यहाँ पर उसको जोड़ रहे हैं उससे कि अरे सेंसोविनो तुम उसका नाम कैसे जानते हो, उसने क्या क्या था एस्कॉट जीता था। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हॉर्स रेसेस विद बेसेट, सेट जो आना उसकी जो सिस्टर थी उसने बोला कि ये हमेशा बेसेट से घोड़ों के बारे में, घोड़ों की रेस के बारे में बात करता रहता है। The uncle was delighted to find that his small nephew was posted with all the racing news. Bassett, the young gardener who had been wounded in left foot in the war and had got the present job through Oscar Croswell, whose batman he had been, was a perfect blade of the turf. He lived in the racing events and the small boy lived with him. अब जो अंकल थे अंकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ये देखकर कि उनका जो ये छोटा सा जो नेफ्यू है भतीजा है वो जो घोड़ों की रेस के बारे में सारी न्यूज़ उसको पता थी, और जो अभी जिसके बारे में उसकी सिस्टर ने बोला था बेसेट से इसको जानकारी मिली है, बेसेट के बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन है, ये जो है ना इनके घर में गार्डनर है, गार्डनर होता है माली, जो कि पहले किसी सेना में थे जिसमें युद्ध में उनके पैर में चोट लग गई थी और अब वो इनके यहाँ पर
क्या करते थे, एक गार्डनर का काम कर रहे थे, और ये क्या थे, बिल्कुल एक परफेक्ट ब्लेड ऑफ टर्फ। टर्फ का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका सेंस वो जो घोड़े की रेसिंग वगैरह होती है वहाँ के उस मैदान से है कि उसका है, और वो बिल्कुल हमेशा क्या जैसे अपडेट रहते हैं रेसिंग इवेंट्स के बारे में। और ये जो छोटा लड़का है पॉल, ये उस गार्डनर के साथ में रहता है, तो इसको भी हॉर्स रेसिंग के बारे में सब कुछ पता रहता है। ऑस्कर क्रेसवेल गॉट इट ऑल फ्रॉम बेसेट। मास्टर पॉल कम एंड आस्क मी सो आई कान डू मोर देन टेल हिम सर, सेड बेसेट हिज फेस टेरिबली सीरियस एज इफ ही वर स्पीकिंग ऑफ रिलीजियस मैटर। अब ये क्या था कि ये जो अंकल ऑस्कर क्रॉसवेल हैं ये बेसेट से मिले, तो बेसेट उनको बता रहे हैं कि ये जो मास्टर पॉल हैं ये हमेशा हमारे पास आते हैं और मुझसे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और वो मतलब जब रेसिंग के बारे में बात कर रहे तो वो ऐसे सीरियस हो गए जैसे मान लो किसी धार्मिक मामलों पर बात कर रहा हो। एंड डज ही एवर पुट एनी थिंग ऑन अ हॉर्स ही फैंसीज? वेल आई डोंट वॉन्ट टू गिव हिम अवे, ही इज़ अ यंग स्पोर्ट, अ फाइन स्पोर्ट सर, वुड यू माइंड आस्किंग हिमसेल्फ? ही सॉर्ट ऑफ टेक्स अप अ प्लेजर इन इट, एंड परहैप्स ही डिड फील आई वॉज गिविंग हिम अवे सर इफ़ यू डोंट माइंड। अब क्या हुआ, उसके अंकल ने पूछा कि जब इसको इतनी जानकारी है, तुम्हें इतनी जानकारी है, तो क्या कभी पॉल ने हॉर्स रेसिंग पर पैसा लगाया है? तो जो बैसेट है वो उससे कह रहा है कि अच्छा होगा कि आप जो है ना पॉल से ही इस बारे में बात सोच इस बारे में पूछ लें, क्योंकि अगर मैं आपको इन सारी बातों के बारे में बताऊंगा तो उसको लगेगा कि मैंने उससे छिपकर आपको बात बताई है। बेसेट्स वॉज सीरियस एज अ चर्च, और बेसेट बिल्कुल ऐसे सीरियस हो गया था, गंभीर था, जैसे कि मतलब चर्च में, जैसे चर्च में लोग जाते हैं और गंभीरता पूर्वक वहाँ पर एकदम शांति से प्रार्थना करते हैं, वो उस तरीके से बिल्कुल शांत हो गया था। द अंकल वेंट बैक टू हिज नेफ्यू एंड टुक हिम ऑफ फॉर अ राइड इन द कार। अब वो जो अंकल थे वो वापस अपने भतीजे पॉल के पास आते हैं और उसके उसको एक अपनी कार पे बैठा कर राइड पर ले जाते हैं। से पॉल, ओल्ड मैन, डू यू एवर पुट एनी थिंग ऑन अ हॉर्स? द अंकल आस्क। अब जो अंकल हैं वो उससे पूछते हैं पॉल से कि क्या तुमने कभी कुछ भी घोड़े पर लगाया है, मीन्स हॉर्स रेसिंग में कुछ बैट लगाई है हॉर्स के ऊपर? द बॉय वॉज द हैंडसम मैन क्लोजली। अब वो उसने पॉल ने उनको अपने जो अंकल हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखा। वाई डू यू थिंक आई ऑन्ट टू ही पैरिट। अब उसने उनको पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा? नॉट अ बिट ऑफ इट, आई थॉट परहैप्स यू माइट गिव मी अ टिप फॉर द लिंकन। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये मतलब ऐसा सोचता हूँ कि तुम मुझे लिंकन के बारे में कुछ बताओ। द कार स्पेड ऑन इन टू द कंट्री गोइंग डाउन टू अंकल ऑस्कर्स प्लेस इन हेम्पशायर। और जो इनकी कार है वो किधर के उनके जो अंकल का जो घर है हेम्पशायर में उस तरफ को चली जा रही है। ऑनर ब्राइट सेड द नेफ्यू, ऑनर ब्राइट सर सेड द अंकल, वेल देन डेफोडिल। अब क्या हुआ कि ये जो लिंकन के बारे में इनके अंकल ने पूछा है, तो लिंकन क्या है कि एक इवेंट है उसका हॉर्स रेसिंग का, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी ऑनर ब्राइट जो शब्द आया है, तो ऑनर ब्राइट का यहाँ पे मतलब है, ये वर्ड आप बार बार इस स्टोरी में देखेंगे, जैसे हम लोग होता है ना कि किसी बात पे बोलते हैं कि अरे अच्छा कसम से, कसम खा के बोलो, जैसे गॉड प्रॉमिस, तो वो यहाँ पे आप उसको गॉड प्रॉमिस मान सकते हो। तो जो बच्चा है उससे कसम लेते हुए बोलता है कि मतलब बोलने से पहले वो कि किसी को बताना नहीं है कुछ भी, तो बोलता है वेल देन डेफोडिल। अब वो उस घोड़े का नाम मतलब बता रहा है कि लिंकन जो रेस इवेंट होने वाला है उसमें वो किस पे बैठ लगा रहा है, किस घोड़े पे, उसका नाम है डेफोडिल। डेफोडिल आई डाउट इट सनी, वॉट अबाउट मिर्जा? अब उसके अंकल कहते हैं कि डेफोडिल जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा संदेह है कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, मिर्जा के बारे में क्या ख्याल है? मिर्जा भी यहाँ पर एक घोड़े का नाम है। आई ओनली नो द विनर सेड द बॉय, दैट्स डेफोडिल, डेफोडिल ए। अब वो जो लड़का है पॉल वो क्या कहता है, मैं सिर्फ किसको विजेता को जानता हूँ, और वो कौन है? डेफोडिल। मीन्स डेफोडिल जो है पहले कोई रेस जीत चुका होगा, तो बोल रहा है कि मैं सिर्फ उसको जानता हूँ, मैं जो विनर है वो है डेफोडिल। देयर वॉज अ पॉज। डेफोडिल वॉज एन ऑब्सक्योर हॉर्स कंपरेटिवली। अंकल, यस सन, यू वॉन्ट लेट इट गो एनी फर्दर विल यू? आई प्रोमिस्ड बेसेट। अब क्या हुआ
कि थोड़ी देर के लिए वो लोग रुकते हैं, फिर वो अंकल उसके बोलते हैं कि जो डैफोडिल है वो थोड़ा सा मतलब संदेह है मुझे, मतलब कंपेरेटिवली किसके, मिर्जा के। तो उसके वो बोलते हैं कि, अब पॉल उससे बोलता है अंकल, वो उसके बोलते हैं हाँ बेटा। तो कहते हैं कि आप मुझे मतलब ये प्रॉमिस करो कि आप इस बात को किसी और को नहीं कहोगे, ऐसा ही मैंने प्रॉमिस किससे किया, बेसेट से। बेसेट, बी डैम्ड ओल्ड मैन, वॉट ही गॉट टू डू विद इट, वी आर पेरेंट पार्टनर्स, वी हैव बीन पार्टनर्स फ्रॉम द फर्स्ट, अंकल ही लेंट मी माई फर्स्ट 5 शिलिंग्स विच आई लॉस्ट, आई प्रोमिस्ड हिम ऑनर ब्राइट, इट वॉज ओनली बिटवीन मी एंड हिम, ओनली यू गेव मी दैट 10 शिलिंग्स नोट, आई स्टार्टेड विनिंग विद, सो आई थॉट यू वर लकी, यू वॉन्ट लेट इट गो एनी फर्दर विल यू। अब वो जो अंकल हैं उसके वो कह रहे हैं बेसेट, वो बूढ़ा व्यक्ति, तुम उसके साथ में मतलब क्यों वो कर रहे हो, हम लोग जो हैं वो पार्टनर हैं और हमेशा मतलब पहले से। अब उसके अब लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि उसके अंकल को मतलब ऐसा लग रहा है कि ये उसके बेसेट के साथ क्यों कर रहा है, वो तो एक गार्डनर है, उसके साथ पार्टनरशिप क्यों कर रहा है। तो पॉल बोल रहा है कि नहीं अंकल, हम लोग पहले से पार्टनर हैं, उसने मुझे 5 5 शिलिंग्स जो थे वो उधार दिए थे, जो कि मैं हार गया, मैंने खो दिए, लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि ये जो बात है ना हम दोनों के बीच में रहेगी। और फिर वो अपने अंकल को बोलता है कि लेकिन जो आपने मुझे 10 सीलिंग दिए थे उनसे उनके उनको उस मतलब दाव पे लगाने के बाद में मैंने फिर जीतना शुरू किया, इसलिए मैंने सोचा कि आप जो है वो लकी हो। वो फिर से उनसे बोलता है कि आप इस बात को किसी और को नहीं बोलोगे कि मतलब मैं घोड़ों पे बैट लगाता हूँ या कुछ भी, रेसिंग्स में पार्ट्स करता हूँ, इस तरीके का कुछ भी। द बॉय गेज्ड एट हिज अंकल फ्रॉम दोज बिग हॉट ब्लू आइज सेट रेदर क्लोज टुगेदर, द अंकल स्टार्ड एंड लाफ्ड अनइजीली। अब जो क्या हुआ कि जो बच्चा था उसने अपने अंकल को ऐसा अपने बड़ी बड़ी एकदम ब्लू हॉट से मतलब है जैसे ना एक जैसे जोश होता है बहुत ज़्यादा आँखों में, उस तरीके से उनको देखा अपने अंकल को, और अंकल जो थे स्टार्ड मीन्स जैसे ना कुछ समझ में नहीं आ पाता है कुछ भी, उसको देखते हुए बस वो हंस देते हैं। राइट, यू आर सन, आई विल कीप योर टिप प्राइवेट, डैफोडिल ई हाउ मच यू आर पुटिंग ऑन हिम। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी ये जो टिप है यानी कि तुमने जो मुझे ये सलाह दी है कि तुम डैफोडिल पे पैसा लगाने वाले हो, डैफोडिल घोड़े पर, मैं इसको प्राइवेट रखूँगा। और अब वो पूछ रहे हैं कि तुम कितना पैसा लगा पा रहे हो, तो वो कह रहा है ऑल एक्सेप्ट 20 पाउंड सेड द बॉय, आई कीप दैट इन रिजर्व, कि मेरे पास जो भी है सिर्फ 20 पाउंड को छोड़कर जिन्हें मैं रिजर्व में रखता हूँ उनको छोड़कर सब। द अंकल थॉट इट अ गुड जोक, यू कीप 20 पाउंड्स इन रिजर्व, डू यू यू यंग रोमांसर वॉट आर यू बैटिंग देन। तो वो जो अंकल है ना उसके, वो तो ऐसे उन्हें लगता है अरे ये तो कोई जोक जैसा कर रहा है, वो कह रहा है कि 20 पाउंड्स तुम अपने रिजर्व में रख लेते हो तो फिर तुम लगा क्या रहे हो, बैट पे क्या लगा रहे हो। आई एम बैटिंग 300 सेड द बॉय ग्रेवली, बट इट्स बिटवीन यू एंड मी अंकल ऑस्कर ऑनर राइट। अब वो कहता है कि मैं कितने लगा रहा हूँ 300, और लेकिन ये बात जो है ना कि ऑनर ब्राइट, फिर से वो कि आप कसम खाइए कि हम दोनों के बीच में ही रहेगी। द अंकल बस्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर, जो अंकल जो थे ना उसके जोर जोर से हंसने लगते। इट्स बिटवीन यू एंड मी ऑल राइट, यू यंग नेट गुड, ही सेड लाफिंग, बट वेयर इज़ योर 300। वो कहते हैं हाँ ठीक है, वो फिर से हंसते, उन्हें मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस बच्चे के पास इतना पैसा होगा या वो लगा रहा है रेस पे। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ है तुम्हारे 300? बेसेट कीप्स इट फॉर मी, वी वर पार्टनर्स। तो बताता है कि बेसेट के पास वो रहता है, हम लोग पार्टनर है। यू आर यू एंड वॉट इज बेसेट पुटिंग ऑन डेफोडिल। तो कहते हैं अच्छा, और वो पूछ रहा है कि डेफोडिल पर बेसेट कितना लगा रहा है। ही वॉन्ट गो क्वाइट एज हाई एज आई डू, आई एक्सेप्ट, पर हैप्स ही विल गो 150। तो वो कहता है कि जो बेसेट है वो उतना ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकता जितना मैं लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो 150 यानी कि 150 तक वो लगाएगा। वॉट पेनीज, लाफ द अंकल, पेनीज कितने पैसे, वो उसके अंकल हंसते हुए बोलते हैं। पाउंड सेट द चाइल्ड विद अ सरप्राइज लुक एट हिज अंकल, और वो उनके अंकल को कि ये मेरा मजाक ही बनाए जा रहे हैं, तो वो सरप्राइज होकर उनको देखता है, कहता है पेनीज नहीं पाउंड्स। बेसेट्स कीप्स अ बिगर रिजर्व
देन आई डू बिटवीन वंडर एंड अम्यूजमेंट ऑन अंकल ऑस्कर वॉज साइलेंट ही परस्यूड दैट मैटर नो फर्दर बट ही डिटरमाइंड टू टेक हिज नेफ्यू विद हिम टू लिंकन रेसेस. अब क्या होता है, बेसिट वो बता वो बॉल बोल रहा है कि बेसिट के पास में, मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझसे ज़्यादा पैसा है. और जो अंकल है ना वो क्या होते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, साथ ही थोड़ा सा खुश भी होते हैं, अम्यूजमेंट होता है उनको. और अंकल और वो लोग चुप हो जाते हैं. फिर वो क्या कहते हैं उस मैटर को, यानी कि जो भी वो बात कर रहे होते हैं उसको आगे नहीं ले जाते, लेकिन वो अपने मन में ये निश्चय करते हैं कि वो उसको जो लिंकन की रेस होने वाली है उसमें वो लेके जाएंगे. नाउ सन ही सेड आई एम पुटिंग 20 ऑन मिर्रा एंड आई विल पुट 5 ऑन फॉर यू ऑन एनी हॉर्स यू फैंसी, व्हाट्स योर पिक. तो कहते हैं कि बेटा मैं मतलब कितने 20 जो है वो किस पे, मिर्जा पे लगा रहा हूँ, और 5 उस पे लगा दूंगा जो तुम्हारी, जो तुम जिस घोड़े के बारे में सोच रहे हो, तो तुम कौन सा चूज करोगे. डेफोडिल अंकल. तो उसने क्या कहा, पॉल ने, डेफोडिल. नो नॉट द 5 ऑन डेफोडिल. अब वो उसके अंकल कहते हैं नहीं, कि मैं डेफोडिल पर नहीं लगाना चाहता पैसा. आई शुड इफ इट वॉज माई ओन 5, सेड द चाइल्ड. अब वो जो बच्चा है पॉल, वो कहता है कि लेकिन अगर मेरे पास मेरे खुद के पैसे होते ये जो हैं, तो मैं उस पर ही, डेफोडिल पर ही लगाता. गुड गुड राइट यू आर, अ 5 फॉर मी एंड अ 5 फॉर यू ऑन डेफोडिल. अब वो कहते हैं कि ठीक है तुम सही कह रहे हो, मतलब 1 मैं तुम्हारी तरफ से और 5 मैं अपनी तरफ से डेफोडिल पर लगाता हूँ. द चाइल्ड हैड नेवर बीन टू अ रेस मीटिंग बिफोर एंड हिज आइज वर ब्लू फायर. ही परस्यूड हिज माउथ टाइट एंड वॉज द फ्रेंच मैन जस्ट इन फ्रंट हैड पुट ऑन हिज मनी ऑन लैंसलॉट. वाइल्ड विद एक्साइटमेंट ही फ्लेयर्ड हिज आर्म्स अप एंड डाउन ईलिंग लैंसलॉट. ही इज फ्रेंच एंड सेंट डेफोडिल केम इन फर्स्ट, लैंसलॉट सेकेंड, मिर्जा थर्ड. द चाइल्ड फर्स्ट विद आइज ब्लेजिंग वॉज क्यूरियसली सीरीन. हिज अंकल ब्रॉट हिम फॉर 5 नोट फॉर 2-1. अब क्या हुआ कि अब जो रेस थी वो वाला दिन आ गया. तो ये जो बच्चा था इसने कभी भी ऐसे ही, मतलब पहले रेस की जो मीटिंग में था नहीं गया था. वो चुपचाप अपने मुंह को ऐसे टाइट किए थोड़ा सा देख रहा था. वहाँ पे एक फ्रेंच व्यक्ति था, उनके सामने उसने क्या किया था, लैंसलॉट एक घोड़ा है उसके ऊपर पैसा लगाया था. और वो बड़े जोश में चिल्ला रहा था हाथ ऊपर कर करके, लैंसलॉट अपने फ्रेंच एंसेस्टर्स में. अब लेकिन फिर रेस में क्या हुआ, जो डेफोडिल घोड़ा था वो फर्स्ट आया, लैंसलॉट सेकंड आया, और जो मिर्जा जिस पर इनके अंकल जी को बहुत विश्वास था वो थर्ड आया. और जो अब ये क्या बहुत खुश हो जाता है और इनको कितने पैसे मिलते हैं, हिम ब्रॉट हिम 4-5 नोट्स फॉर 2-1. अब ये 4 पैसे कुछ मिलने होते हैं, तो इनको जो भी था वो मिल जाता है अमाउंट. व्हाट एम आई टू डू विद दिस, ही क्राइड वेविंग देम बिफोर द बॉयज आइज. अब जो उनके अंकल होते हैं वो उसके सामने ऐसे पैसे करते हुए बोलते हैं कि अब मैं इसका क्या करूँ. आई सपोज वी विल टॉक टू बेसेट, सेड द बॉय. आई एक्सपेक्ट आई हैव 1500 नाउ एंड 20 इन रिजर्व एंड दिस 20 हिज अंकल स्टडीड हिम फॉर सम मोमेंट. अब वो क्या कहता है कि मैं मतलब जो है ना कि मैंने जो जीता है मैं उसके बारे में किससे, बेसेट से बात करूँगा. मुझे मतलब मैं अब ऐसी आशा है कि मेरे पास अब कितने 1500 हो गए हैं और 20 इन रिजर्व, और 20 रिजर्व में एंड दिस 20. वो ऐसे कंटिन्यू करता है बोलने में. उसके जो अंकल है ना वो उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो. लुक हियर सन ही सेड, यू आर नॉट सीरियस अबाउट बेसेट एंड दैट 1500 आर यू. तो वो कहते हैं कि आपने उसको, उसके अंकल बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुम क्या बेसिट के बारे में और वो जो तुम्हारे 1500 उनके बारे में श्योर हो, क्या हो तुम. यस आई एम बट इट इज़ बिटवीन यू एंड मी अंकल ऑनर ब्राइट. वो फिर कहते हैं कि लेकिन हाँ, वो पॉल बोलता है ये बात जो है ना हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए. ऑनर ब्राइट ऑल राइट सन बट आई मस्ट टॉक टू बेसिट. वो कहते हैं हाँ ठीक है, हमारे बीच में ही रहेगी लेकिन मुझे बेसिट से बात करनी है. If you like to be a partner uncle with Bassett and me, we could all be partners. अब वो पॉल कहता है कि अगर अंकल आप मेरे और जो बेसेट है उसके साथ पार्टनर बनना चाहें तो हम तीनों पार्टनर बनेंगे.
Only you had have to promise honor right uncle not to let it go beyond us three. लेकिन बस उसके लिए क्या है कि आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप इस बात को हम तीन के अलावा किसी को नहीं पता चलेगा. एंड यू मस्ट बी लकी बिकॉज इट वॉज योर 10th सेलिंग आई स्टार्टेड विनिंग. और वो कहता है कि और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप जो है ना वो लकी हैं क्योंकि वो आपके 10th सेलिंग से जिससे मैंने जीतना शुरू किया. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थोड़ी लंबी है इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. इस पार्ट्स में बस इतना ही. इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसके पार्ट टू में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.